नमस्कार। उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है, मैं शिखा त्यागी। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए प्रतिबद्ध। कल राज्यसभा में 8 सदस्यों को खराब व्यवहार के लिए पूरे मॉनसून सत्र से किया गया निलंबित। प्रदेश भर में मास्क न पहनने पर अब तक 3 लाख लोगों पर हुई कार्रवाई। 15 करोड़ रुपए का वसूला गया जुर्माना। कुमाऊं मंडल में 550 बेड के 3 नए कोविड सेंटर बनाने का निर्णय। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने किए बद्री विशाल के दर्शन। माणा गांव के करीब 70 बच्चों को वितरित किए मोबाइल, मास्क और सैनिटाइजर। और अगले सप्ताह तक विदाई ले सकता है मॉनसून। 23 और 24 सितंबर को प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि विधेयक के संसद में पारित होने की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इससे कृषि क्षेत्र में क्रांति आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई दशकों से देश के किसान बिचौलियों से त्रस्त थे, जिससे उन्हें छुटकारा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिलता रहेगा और सरकारी स्तर पर कृषि उत्पादों की खरीद होती रहेगी। उन्होंने कहा कि इन विधेयकों के पारित होने से किसानों का बड़े स्तर पर सशक्तिकरण होगा। हमारे देश में अब तक उपज और बिक्री की जो व्यवस्था चली आ रही थी, जो कानून थे, उसने किसानों के हाथ पांव बांधे हुए थे। इन कानूनों की आड़ में देश में ऐसे ताकतवर गिरोह पैदा हो गए थे जो किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे थे। नए कृषि सुधारों ने देश के हर किसान को ये आजादी दी है कि वो किसी को भी कहीं पर भी अपनी फसल, अपने फल सब्जियां अपनी शर्तों पर बेच सकता है। अब उसे अपने क्षेत्र की मंडी के अलावा भी कई और विकल्प मिल गए हैं। कल राज्यसभा में कृषि विधेयक पारित कराए जाते समय हुए हंगामे को लेकर सभापति एम वेंकैया नायडू ने विपक्ष के 8 सदस्यों को मॉनसून सत्र की शेष अवधि के लिए भी निलंबित कर दिया है। पहले उन्हें 1 सप्ताह के लिए निलंबित किया गया था। श्री नायडू ने कल की घटना को अस्वीकार्य और निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि इस घटना ने राज्यसभा की छवि धूमिल की है। सभापति ने कहा कि कुछ सदस्यों ने असंसदीय भाषा का प्रयोग किया और उपसभापति हरिवंश को धमकी भी दी। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने कुमाऊं मंडल में हल्द्वानी स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम और मिनी स्टेडियम को कोरोना केयर सेंटर बनाने का फैसला लिया है। इसके साथ ही रामनगर स्थित कन्वेंशन सेंटर भी कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है। सरकार के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग यहां हल्द्वानी के दोनों स्टेडियम में 200-200 और रामनगर में 150 बेड की व्यवस्था कर रहा है। यहां प्रत्येक बेड के साथ ऑक्सीजन की उपलब्धता रहेगी। इस व्यवस्था से मरीजों को राहत मिलने की बात कही जा रही है कि आगे और सर्ज आ सकता है और हमें ऑक्सीजन बेड्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो ये थोड़े से कोविड केयर सेंटर जो है एडवांस हैं। हालांकि ये डेडिकेटेड कोविड केयर हॉस्पिटल तो नहीं बनाए जा सकते, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की उपलब्धता मरीजों को दी जाएगी। तो ये 200 बेड का अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में और 200 बेड का मिनी स्टेडियम में और 150 बेड का रामनगर में कन्वेंशन सेंटर में बनाया जा रहा है। महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने आज लॉकडाउन के उल्लंघन को लेकर पुलिस विभाग के द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मास्क न पहनने पर अब तक 3 लाख लोगों पर कार्रवाई हुई है, जबकि लॉकडाउन के उल्लंघन में 15 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला गया है। अभी तक 49,652 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई हुई। मास्क नहीं पहनने पर 3,03,648 पर कार्रवाई हुई। क्वारंटाइन का उल्लंघन करने पर 942 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई हुई। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने में कुल 212 लोगों पर कार्रवाई हुई है।
और कुछ और धाराओं को मिलाकर अभी तक कुल 422,543 लोगों का लॉकडाउन के उल्लंघन की कार्रवाई की। वहीं कल रात जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में 878 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए। प्रदेश में अब कुल एक्टिव केसेस की संख्या 12,455 है, जबकि 27,828 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कुल 491 कोरोना संक्रमित लोगों की मृत्यु हुई है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य आज बद्रीनाथ धाम पहुंची और भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना की। इस दौरान राज्य और देश की खुशहाली के साथ ही उन्होंने कोविड महामारी से निजात दिलाने की भगवान से प्रार्थना भी की। इसके साथ ही माणा गांव में करीब 70 स्कूली बच्चों को मोबाइल, मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ऑनलाइन पढ़ाई के लिए उनके द्वारा बच्चों को मोबाइल दिए गए हैं, जिससे उन्हें पढ़ाई में मदद मिल सके। जान रहे हैं कि पूरा भारतवर्ष कोविड महामारी से लड़ रहा है, जूझ रहा है। बहुत ज़्यादा इसके कारण हमारे जितने भी उत्तराखंड के या पूरे देश के भाई बहन इसे लड़ रहे हैं और आज बहुत बुरी स्थिति में हैं, उन सब से कैसे बचाव, भगवान बद्री विशाल उन सब की कैसे रक्षा करें। मैं ऐसी पूजा करने ऐसी उनसे मन्नत मांगने आई हूँ कि प्रभु इस कोविड को जल्दी से जल्दी ख़त्म करो, सब सामान्य रहे। प्रधानमंत्री मोदी जी का तो पूरे सप्ताह जन्म दिवस मना रहे हैं, उनकी भी दीर्घायु की मैंने कामना की है। मौसम विभाग की माने तो मॉनसून तीव्र बौछारों के साथ अगले सप्ताह तक विदाई ले सकता है। मौसम विभाग ने 23 और 24 सितंबर को प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई है। वहीं आज देहरादून समेत 4 जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। अंतिम चरण में पहुंचने के बावजूद मॉनसून की बारिश सामान्य से काफी कम है। हालांकि अगले कुछ दिन कहीं कहीं तेज बौछारों के साथ भारी बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार सोमवार से अगले 4 दिन देहरादून, पिथौरागढ़, बागेश्वर और नैनीताल में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है, जबकि धारचूला और आसपास के कुछ इलाकों में ओलावृष्टि होने की भी संभावना बन रही है। प्रदेश के मध्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अब कीवी का उत्पादन लोगों की आय का जरिया बन रहा है। इन क्षेत्रों में पहले सेब का उत्पादन किया जाता था, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण कीवी की खेती अब लोगों की पसंद बन रही है। चंपावत जिले में पिछले 5 से 6 सालों में कीवी की खेती ने जोर पकड़ा है। इसकी अच्छी पैदावार से किसानों को काफी अच्छा मुनाफा भी हुआ है। जिले के गौशनी, पमतोला, मुड़ियानी, गरसाणी, ढरौच सहित अन्य स्थानों में बड़ी संख्या में किसान कीवी की खेती कर रहे हैं। ऐसा है, यहाँ पहले सेब नाशपाती बहुत होता था, उसके बाद वो चीज़ें नहीं होने लगी। यहाँ पर हमने सोचा इसमें कि कुछ नया किया जाए, तो हमने कीवी के बारे में पता किया। हमारे एक वरिष्ठ किसान हैं श्री द्योपा जी, सुरेंद्र सिंह द्योपा जी, उन्होंने जानकारी दी इसकी। 4 साल में ये जरा अच्छा फल देने लग गया। लगभग इसकी कीमत जो है 300 से 350 रुपया किलो जाता है। पमतोला गांव के किसान चिंतामणि भट्ट ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग से रिटायर्ड होकर उन्होंने कीवी की खेती की। शुरुआत में उन्होंने लगभग 60 पौधे लगाए और 4 साल बाद उन्हें कीवी की अच्छी पैदावार मिलने लगी। मैंने इस कीवी को लगाया, मैं इसको हवालबाग से इन पौधों को लाया था और ये 4 साल जो है ये कीवी फल दे देते हैं और ये बहुत उपयोगी है। और जो 1200 से 2000 मीटर के हाइट में इसके पौधे बहुत अच्छे फल देते हैं, और बहुत अच्छा फल देते हैं। और ये जो है आपके डांगों के लिए। जिले के उद्यान अधिकारी सतीश शर्मा ने बताया कि चंपावत जिले में कीवी के लिए अनुकूल जलवायु है। किसानों को देखते हुए उद्यान विभाग ने कीवी की पैदावार को बढ़ाने के लिए योजना बनाई है, जिसके तहत सरकार किसानों को 30,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का अनुदान देगी। ये जनपद चंपावत जिसमें कीवी के लिए फसल के लिए अनुकूल पाया गया है, हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी मिशन ने इस फसल को समृद्ध किया है, जिसमें आगामी वर्षों में हम कीवी को क्षेत्रफल विस्तार योजना में रखेंगे और इसमें 30,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का अनुदान केंद्र सरकार द्वारा दे रहे हैं।
प्रदेश में धीरे धीरे मौसम खुलने लग गया है। मौसम खुलने से पहाड़ी जिलों में किसान धान मड़ाई के काम में जुट गए हैं। बागेश्वर जिले में 15,000 हेक्टेयर भूमि में धान की फसल उत्पादित होती है। इसके अलावा 5,000 हेक्टेयर में दलहनी फसलों का भी उत्पादन होता है। लगभग 47,522 किसान परिवारों द्वारा काश्तकारी की जाती है। इस समय जिला मुख्यालय के साथ ही घाटी वाले तमाम इलाकों में धान की फसल पककर तैयार हो गई है। अब ये खेती पाती हमारे भली हरे लोग बाद हमारे नानकिन सब घर एडी और बरसात लीरे एलियो बार मेरे पहचानिये बरसात और मौसम लो बहुत सही बढ़िया रहो। खेती पाती हमारे बहुत बढ़िया हरे भगवान जैसे हमारे खेत पात बढ़िया रहे और कोरोना आयल बाल बच्चे सब देश विदेश घर एडी और कोरोना आयल सब स्कूल नानकिन सब बाल बच्चे सब घर बने जैसे। किसानों की माने तो लॉकडाउन के चलते गांव घर लौटे युवाओं ने खेती में काफी मदद की है। जिले में बिलौना नंदी गांव के साथ ही गरुड़ घाटी को धान की फसल के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। यहां धान की पैदावार अच्छी होती है। खेती बाड़ी सब बढ़िया है और कोरोना जल सब देश विदेश सब घर ऋण और पूरा खेती बाड़ी बहुत बढ़िया और इस बार बारिश बहुत तेज बहुत बढ़िया है और बहुत बढ़िया खेती बाड़ी है और सब बाल वो बच्चे स्कूल छुट्टी थी इसलिए सब नाते नाते सब घर में थी। पहाड़ों पर धान मड़ाई का विशेष तरीका होता है। इस काम को महिलाएं भी आसानी से कर लेती हैं। वहीं दलहनी फसलों में मसूर जौ भट मांस गहत सोयाबीन आदि की फसल भी किसानों ने समेट ली है। काश्तकारों की माने तो इस बार फसल अच्छी हुई है। समय इस बार हमारी खेती बहुत अच्छी हुई है क्योंकि जो लॉकडाउन लगा था लॉकडाउन की वजह से बाहर प्रदेश के आदमी भी घर में आए उनके मेहनत के कारण के वजह से फिर भी हमारी खेती बहुत अच्छी हुई है क्योंकि काम धंधा और जगह नौकरी चाकरी छोड़ छाड़ के लोग बाद इधर आए हैं अपनी खेती बाड़ी में रुचि दिखाई इस हिसाब से खेती बाड़ी बहुत अच्छी हुई है। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए प्रतिबद्ध। कल राज्यसभा में 8 सदस्यों को खराब व्यवहार के लिए पूरे मॉनसून सत्र से किया गया निलंबित। प्रदेश भर में मास्क न पहनने पर अब तक 3,00,000 लोगों पर हुई कार्रवाई। 15 करोड़ रुपए का वसूला गया जुर्माना। कुमाऊं मंडल में 550 बेड के 3 नए कोविड सेंटर बनाने का निर्णय। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने किए बद्री विशाल के दर्शन। माणा गांव के करीब 70 बच्चों को वितरित किए मोबाइल मास्क और सैनिटाइजर। और अगले सप्ताह तक विदाई ले सकता है मॉनसून। 23 और 24 सितंबर को प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DDNews उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DDNews उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।